चैप्टर नंबर 3 में नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के बारे में बात कर रहे हैं। ईमेल प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? शुरुआत करते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल से, SMTP। नाम ही बता रहा है ये बहुत सिंपल है, मेल ट्रांसफर का काम करता है और एक प्रोटोकॉल है या सेट ऑफ रूल्स या गाइडलाइंस है। तो SMTP ये ईमेल इंटरनेट पे इसके ट्रांसमिशन से संबंधित है। जितने भी ईमेल सॉफ्टवेयर आप देख रहे हैं उसमें मोस्टली इस तरीके से डिजाइन है कि वो इस SMTP को यूज करेंगे कम्युनिकेशन पर्पस के लिए जब वो ईमेल को सेंड करेंगे। और ये SMTP केवल काम करता है आउटगोइंग मैसेज के लिए, ओनली आउटगोइंग मैसेज के लिए। यानी कि जब आप ईमेल सेंड करते हैं तो जो एड्रेस है ISP SMTP सर्वर का वो दिया जाता है। जो एक्चुअल मैसेज ट्रांसफर है वो किसके थ्रू होता है? वो MTA के द्वारा होता है, यानी कि मैसेज ट्रांसफर एजेंट्स MTA द्वारा होता है। यानी कि आपके क्लाइंट सर्वर कंप्यूटर, जो भी आपका क्लाइंट कंप्यूटर है उस पे क्लाइंट MTA, उसमें क्लाइंट MTA होना चाहिए। और जो सर्वर MTA है, सर्वर है उसमें सर्वर MTA होना चाहिए कि मैसेज ट्रांसफर एजेंट दोनों के पास होना चाहिए। SMTP का काम क्या है? SMTP के बारे में बात की जाती है लेकिन उसके पीछे MTA भी है। तो SMTP का एक्चुअल काम यह है कि वो डिफाइन करता है, बताता है MTA क्लाइंट को और सर्वर को इंटरनेट पे। ये SMTP का मेन काम है। बहुत रिलायबल और इजीली सेटअप हो जाता है SMTP। तो मैसेजेस या तो रिसिपिएंट को पहुंचते हैं या अगर कोई एरर है तो ये बताया जाता है क्यों पॉसिबल नहीं है। अगर आप एक ईमेल करते हैं और अगर ईमेल आप गलत टाइप कर देते हैं तो उसके बाद आपको मैसेज भी आता है, एक ईमेल दोबारा आता है कि ये प्रॉब्लम रही, ये मैसेज दिस IP कैन नॉट बी रीच, जैसे करके नंबर आता है बकायदा कि ट्राइड मेनी टाइम्स बट वॉज नॉट एबल टू सेंड, ऐसा करके मैसेज आता है। जो एक और पर्पज है SMTP का, जो उसका उसके पीछे अंडरलाइंग तर्क है वो ये है कि वो जो कम्युनिकेशन है ईमेल मैसेजेस का सर्वर के बीच में उसको सिंप्लीफाई करता है, इजी बनाता है। और जो सर्वर है वो मैसेज को अलग अलग कैटेगरी में बांटता है। इट अलाउज द सर्वर टू ब्रेक अप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ मैसेज, यानी सर्वर अलग अलग पार्ट में बांटता है कैटेगरीज में ताकि उसको अच्छे से समझ पाए कि देखिए साहब ये हेडर है, ये टू है, ये CC है, ये BCC है, ये इसके पीछे डेस्टिनेशन एड्रेस है। तो ईमेल, कोई भी ईमेल मैसेज में एक सेंडर होगा, रिसिपिएंट होंगे या मल्टीपल रिसिपिएंट होंगे, मैसेज बॉडी होगी जो आप जहां पर टेक्स्ट एरिया में कंटेंट लिखते हैं और एक टाइटल की हेडिंग होती है। तो जैसे ही आपका मैसेज बाहर के लिए निकलता है, जैसे ही बाहर के लिए निकलता है इंटरनेट पे जाता है तो जितना भी चीजें हैं इसमें उसको पहले एवरीथिंग इज टर्न इनटू स्ट्रिंग्स ऑफ टेक्स्ट, यानी आपको टेक्स्ट और वो ऐसे अलग अलग स्ट्रिंग्स बनेंगे, एक स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग, तीन स्ट्रिंग, चार स्ट्रिंग, ऐसे स्ट्रिंग बनेंगे। और जो टेक्स्ट है, जो स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट है वो सेपरेट होंगे कोड वर्ड्स के द्वारा या नंबर्स के द्वारा। इसका मतलब यह है कि हर एक स्ट्रिंग का जो पर्पज है ईमेल के सेक्शन में वो पता चलता है कि ये टू, ये हेडर है, ये आपका रेसिपिएंट है, ये आपका मैसेज बॉडी है। तो SMTP ये कोड देता है, SMTP ये कोड देता है और जो ईमेल सर्वर सॉफ्टवेयर है वो इस कोड को पढ़ता है, समझता है, इंटरप्रेट करता है। और जो एक और काम है SMTP का, ये कम्युनिकेशन रूल्स सर्वर के बीच में स्थापित करता है। यानी कि हर एक सर्वर उसका कैसे वो अपने आप को आइडेंटिफाई कराएगा, मतलब इतने इंटरनेट पर अपने आप को कैसे मेल के लिए कैसे आइडेंटिफाई करवाएगा, फिर कौन सा मोड कम्युनिकेशन के लिए वो फॉलो करेगा, अगर कोई एरर है उसको कैसे चेक किया जाएगा और अगर एरर होता है तो उसको कैसे हैंडल किया जाएगा, ये भी SMTP का काम है। तो अगर SMTP ट्रांसैक्शन हो रहा है, यानी कि मेल का आदान प्रदान हो रहा है, भेजा जा रहा है, तो सर्वर पहले आइडेंटिफाई करेगा अपने आप को, बताएगा कि कौन सा ऑपरेशन वो करेगा। जो दूसरा सर्वर है वो इस ऑपरेशन को ऑथराइज करेगा और फिर
मैसेज भेजा जाएगा। अगर रेसिपिएंट एड्रेस गलत दे दिया आपने या रॉन्ग है या कोई और दिक्कत आती है तो रिसीविंग सर्वर वो कोई ना कोई आपको एरर मैसेज से रिप्लाई करेगा। एसएमटीपी का जो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है कि आप बहुत आसानी से इसमें मैसेज सेंड कर सकते हैं फेक सेंडर बनके। ये खास तौर पे जो वायरस है, जो ईमेल बेस्ड वायरस है, उसके एसएमटीपी के द्वारा उसको स्प्रेड किया जा सकता है, जा रहा है, और जिसको रोकने की बहुत कोशिश की जा रही है। आपके पास मैसेज आ सकता है कि हाँ ये तो मेरे दोस्त से आ रहा है, जबकि कोई और, कोई मिडिल मैन या कोई फेक आपको भेज रहा हो। तो इसका अटेम्प्ट तो हो रहा है लेकिन अभी भी इसमें दिक्कतें तो आती हैं। आज के दिन में जितने भी सर्वर हैं वो थोड़ा सा एसएमटीपी का ऊपर का वर्जन यूज करते हैं, जिसे हम बोलते हैं ESMTP। एसएमटीपी तो है ये, इसके साथ एक्सटेंडेड है, एक्सटेंडेड सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसके थ्रू क्या करते हैं, हम केवल टेक्स्ट, जो मैंने बताया था स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट ही नहीं, साथ में आप मल्टीमीडिया भी ट्रांसफर कर रहे हैं। यानी अगर आप पिक्चर या म्यूजिक सेंड कर रहे हैं ईमेल में तो ESTP कम्युनिकेशन कोड जो है वो यूज होते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सा डेटा आया है। माइम आपने सुना होगा, ये मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन माइम, ये एक साथ का प्रोटोकॉल है या सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल है। इससे आप ASCII डेटा के अलावा, यानी कि नॉन ASCII डेटा, इसी का नाम देखिए आपका मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, मतलब ASCII के अलावा भी डेटा आप भेज सकते हैं SMTP पे। ध्यान रखिएगा कि माइम कोई प्रोटोकॉल नहीं है, ये सप्लीमेंट्री है, तो SMTP को ये रिप्लेस नहीं करता है। ये केवल ही बताता है कि कौन कौन सा डेटा आप एक्स्ट्रा भेज सकते हैं और उसको सपोर्टिंग मटेरियल है ये। POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। आप पोस्ट ऑफिस से समझ गए कुछ मेल की बात हो रही होगी। ये 3 मतलब थर्ड वर्जन है और बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड प्रोटोकॉल है ये रिसीव करने के लिए मेल को। यानी कि एक मेल आ रही है या आपके पास ईमेल आ रही है और वो तब तक रखता है POP3 जब तक वो पिक नहीं कर लिया जाता या उठा लिया नहीं जाता। जैसे एक बक्सा है उसमें मेल आ रहा है, जब तक आप उठाएंगे नहीं तब तक वो रखता है। SMTP का डिसएडवांटेज ये है कि मान लीजिए आपका कंप्यूटर ऑनलाइन नहीं है तो मेल रिसीव नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि जो SMTP सर्वर है वो क्या करेगा कि ईमेल को हर होस्ट के बिहाफ पे ले लेगा, रिसीव कर लेगा, और फिर जो जितने भी होस्ट हैं, रिस्पेक्टिव होस्ट हैं, वो STP सर्वर के साथ इंटरेक्ट करेंगे ताकि वो मैसेज को ले सके, रिट्रीव कर सके। और कैसे ले सके, एक क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल जो है POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल ही ये आपके मेरे लिए आसान बनाता है कि हम अपना ईमेल चेक कर सके, और यदि हमारा ईमेल प्रोग्राम कॉन्फिगर्ड प्रॉपरली हो इस प्रोटोकॉल के साथ। जो मेल सर्वर है उसके साथ ये बहुत कॉमन है क्योंकि बहुत सिंपल है, सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है और एरर्स बहुत कम है। किसी भी मेल प्रोग्राम, ईमेल प्रोग्राम के साथ ये POP3 काम करता है। जब मतलब अगर आपको ईमेल प्रोग्राम के साथ इसको कॉन्फिगर करना पड़ेगा। जितने भी आप ईमेल प्रोग्राम देखते हैं, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक हो इस तरीके के, ये ऑटोमेटिकली डिजाइन किए गए हैं कि ये POP3 के साथ काम कर सके। हर एक POP3 मेल सर्वर का अलग एड्रेस होता है जो वेब होस्टिंग कंपनी इंडिविजुअल को देती है। ये एड्रेस आपको एंटर करना पड़ता है ईमेल प्रोग्राम में ताकि आप इफेक्टिवली प्रोग्राम से कनेक्ट कर सके या प्रोग्राम कनेक्ट कर सके आपके प्रोटोकॉल के साथ। जो इंडिविजुअल रिसीव कर रहा है POP3 ईमेल, वो अपना यूजर नेम पासवर्ड डालेगा और वो आपका ईमेल आपको रिसीव हो जाएगा। रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल टेलनेट,
टेलनेट ये मेन इंटरनेट प्रोटोकॉल है। अगर आप किसी रिमोट मशीन, जैसे आप यहां पर हैं और कोई एक किसी ज्योग्राफिकल वाइड एरिया में बहुत दूर पे कोई आपका सिस्टम रखा हुआ है, उसमें आप रिमोटली एंटर करना चाहते हैं, यानी आप यहां तो अपने सिस्टम पे एंटर कर सकते हैं यूजरनेम पासवर्ड डाल के, यहां पर इसमें कैसे एंटर करेंगे, उसके लिए आपके पास टेलनेट है। ये टेलनेट ही अलाउ करता है आपको कि आप कनेक्ट कर सके रिमोट कंप्यूटर से, जिसको हम कहते हैं रिमोट होस्ट, और किस नेटवर्क पे, TCP/IP पे, यानी कि इंटरनेट पे। जरूरी नहीं है इंटरनेट भी हो, ये लोकल आपका मतलब इंटरनेट भी हो सकता है। तो एक बार जो टेलनेट क्लाइंट कनेक्शन एस्टैब्लिश कर देगा, मतलब इसके साथ कनेक्शन कर लेगा रिमोट होस्ट के साथ, तो एक ये जो क्लाइंट है आपका एक वर्चुअल टर्मिनल बन जाएगा। ये वर्चुअल टर्मिनल इस तरीके से बनेगा कि ये आपके रिमोट होस्ट के साथ कनेक्ट कर सकेगा और जो भी प्रिविलेजेस इसके पास है वो आपको मिल जाएंगे, सारे आपके पास आ जाएंगे। तो जितने भी आपके मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, चाहे मैक हो, विंडोज हो, यूनिक्स लिनक्स है, टेलनेट इसमें, टेलनेट क्लाइंट इसमें अवेलेबल होता है। अगर आप इस टेलनेट क्लाइंट को यूज करना चाहते हैं तो आपके इनके अलग अलग कमांड्स हैं, वहां जा सकते हैं और टेलनेट होस्ट, जहां भी जो भी अलग अलग इसकी कमांड है वहां पर आप जाके रिमोट कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। और बहुत सारे केसेस में आपको अकाउंट की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन जो गेस्ट है या पब्लिक है उसमें बगैर अकाउंट के भी आप रिमोटली जा सकते हैं। और ये टेलनेट जो प्रोग्राम डेवलपर्स हैं वो ज्यादा यूज कर सकते हैं, या कोई आपको मान लीजिए कोई दूर का कंप्यूटर है, उसमें जैसे आपका टीम व्यूअर है, इसमें क्या करते क्या है, आपको रिमोट एक्सेस मिल जाता है, आप दूसरे के डेस्कटॉप को लेके या सिस्टम को लेके आप या तो चीजें ठीक कर रहे होते हैं या उसे समझा रहे होते हैं, देखिए ऐसे ऐसे करिए, तो इसमें टेलनेट या कुछ अपॉर्चुनिटी आपको देता है कि आपके सिस्टम पे कोई और काम कर सके दूर से, कहीं भी ग्लोब के किसी भी एरिया में वो हो सकता है। टेलनेट एक एरर फ्री कनेक्शन देता है जो काफी फास्ट है, जितने भी लेटेस्ट कॉन्वेंशनल मॉडल से मॉडेम से ये काफी फास्ट है, ये प्रोटोकॉल इस तरीके से बनाया गया है। चैट प्रोटोकॉल और वाइप चैटिंग, ये रियल टाइम, अगर आप देखिए यहां पर बैठे हैं किसी के साथ आप टेक्स्ट पे बात है, मोबाइल है आपका या सिस्टम है, आप फटाफट रियल टाइम पे बात कर रहे हैं, तो एक चैट प्रोग्राम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिससे आप चैट कर रहे हो, या चैट मतलब होता है बातचीत, जैसे AOL का इंस्टेंट मैसेंजर है, कैंप फायर है, इंटरनेट मैसेंजर है, MSN मैसेंजर है, और बहुत सारे हैं आपके जो चैट प्रोग्राम्स की तरह काम करते हैं और चैट प्रोग्राम्स हैं। तो आपको करना क्या होता है, आपका चैटिंग प्रोग्राम में बस एक अकाउंट होना चाहिए। फोन कॉल, ये एक वॉइस बेस्ड चैट है, जबकि ऑनलाइन चैट का मतलब ये होता है आप टेक्स्ट से बात कर रहे हैं। IRC इंटरनेट रिले चैट, ये एक प्रोटोकॉल है, ये चैटिंग के लिए यूज होता है। अगर आप किसी इंडिविजुअल से या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से बात करना चाहते हैं तो आप IRC देख रहे होंगे बैकग्राउंड में। इसको डेवलप किया था इन साहब ने, जार्को और करिनेन, ये साहब है फिनलैंड के, 1980s में, और ये क्लाइंट सर्वर मॉडल पे ही काम करता है। इसमें क्या होता है, जो क्लाइंट IRC क्लाइंट है वो मैसेज को सेंड करता है और रिसीव करता है, IRC सर्वर को भेजता है, IRC सर्वर से मैसेज लेता है, और IRC सर्वर इस मैसेज को ट्रांसपोर्ट करता है एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट में। तो एक IRC सर्वर एक आगे के सर्वर से कनेक्टेड होता है ताकि एक IRC नेटवर्क बन जाए, और IRC सर्वर ये आइडेंटिफाई करता है उनके निकनेम से, एक यूनिक निकनेम जब भी आप यूजर डालते हैं तो अपना एक निकनेम बनाते हैं, उस निकनेम से ही आपको पता कर लेता है कि कौन साहब है। तो हर एक यूजर को एक यूनिक चैनल दिया जाता है, अगर मल्टीपल डिस्कशन हो रहा हो, ग्रुप डिस्कशन हो रहा हो। वाइप का मतलब होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसमें आप वॉइस को
पैकेट स्विच नेटवर्क से भेज रहे हैं। ध्यान रखिएगा, हमेशा हम देखते हैं कि जब हम टेलीफोन करते हैं तो अपना फोन उठाते हैं, बात करते हैं, टेलीफोन लाइन से आपकी बातचीत हो जाती है। ऐसे ही जब हम फोन पे बात कर रहे हो तो एक डेडिकेटेड नेटवर्क बनता है, एक डेडिकेटेड लाइन बनती है। लेकिन ये वॉइस का मतलब ये होता है कि वॉइस आप भेज रहे हैं, बातचीत आप कर रहे हैं, लेकिन यहां पर आप टेलीफोन नेटवर्क ना यूज, PSTN ना यूज करके आप जो इंटरनेट का नेटवर्क है, यानी कि आप एज अ पैकेट भेज रहे हैं नेटवर्क पे। तो अगर आपके पास वाइप सॉफ्टवेयर है तो आप फोन कॉल कर सकते हैं। कैसे? आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। तो जो पहले फोन किया जाता था, बहुत पैसे लगते थे अगर आप विदेश फोन करते थे। आज अगर आपके पास व्हाट्सएप है, आपके पास फेसबुक है, आपके पास इवन और भी ऐसे सॉफ्टवेयर है जिसके साथ आप वॉइस कॉल कर सकते हैं, बल्कि वॉइस क्या वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो वो होता कैसे है, उसमें पैकेट भेजे जा रहे हैं, यानी आप जो IP है उस पर बात कर रहे हैं। बहुत चीपर हो गया है आजकल और इससे आप बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं। तो कुछ अलग अलग तरीके हैं या अलग अलग मेथड्स हैं वाइप सर्विस के। एक है ATA, ATA, ये है एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्टेड। एनालॉग टू एनालॉग है। तो आप देखिए, मैं बोल रहा हूँ ATA, लेकिन ये है एनालॉग टू डिजिटल। अब अगला देखिए, ऐसी IP फोन्स हैं, ऐसी कंप्यूटर टू कंप्यूटर है। अब आप इसको समझिए कि ये ATA तो है लेकिन ये एनालॉग टू डिजिटल है। कैसे? क्योंकि जब आप पैकेट के थ्रू भेजेंगे तो आपको डिजिटली कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने जो वॉइस है। वॉइस तो एनालॉग होती है, उसको डिजिटली कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये ऐसा है कि जो टेलीफोन डिवाइस है वो कंप्यूटर से आप कनेक्ट कर सकते हैं, ये एनालॉग सिग्नल उठाएगा फोन से और उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि जो भी आपको IP पे भेजना है आपको डिजिटली भेजना पड़ेगा। अब ये जो डिजिटल सिग्नल्स है ये ट्रांसमिट किए जाते हैं इंटरनेट पे। वो क्या, कई प्रोवाइडर्स क्या करते हैं, ये बंडल करते हैं आपकी सर्विस के साथ, आपको बंडल फ्री देते हैं, ATA इज फ्री। एक और देखिए IP फोन्स। ये IP फोन्स जो है बिल्कुल ऑर्डिनरी फोन या कॉर्डलेस फोन की तरह दिखाई देते हैं, जैसे आपके घर पे फोन होगा, और ये सीधा राउटर से या लैन से कनेक्टेड होते हैं। इनके पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो IP कॉल को हैंडल कर सके। IP फोन्स को हम वाइप फोन्स, SIP फोन्स या सॉफ्ट फोन्स भी बोलते हैं। कंप्यूटर टू कंप्यूटर, ये सबसे इजी और सिंपलेस्ट वे है वाइप के लिए। तो बेसिक इसमें हार्डवेयर क्या चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, इंटरनेट चाहिए, स्पीकर चाहिए, माइक्रोफोन चाहिए। इसमें जो केवल कॉस्ट है वो ये है कि कंप्यूटर टू कंप्यूटर वाइप, और जो आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को अपनी इंटरनेट की फीस देते हैं मंथली। तो हमने देखा क्या इसमें प्रोटोकॉल क्या होता है। ये रूल्स सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस होते हैं जिसमें दो मशीन नेटवर्क पे आपस में बात करें और ये इन रूल को फॉलो करें। TCP हमने देखा, ये पैकेट को ब्रेक करती है और उनको भेजती है, मतलब इनको पैकेट में भेज तोड़ के इस तरीके से भेजा जाता है ताकि नेटवर्क इसको एफिशिएंटली हैंडल कर सके। IP का काम ये है कि ये हर एक डेटा पैकेट को एक यूनिक एड्रेस देता है। FTP है ताकि आप ट्रांसफर कर सके या अपलोड या डाउनलोड कर सके उसको, फाइल को। अब ये एक इसके लिए FTP सर्वर होता है, आपके पास FTP क्लाइंट हो तो आप ये काम कर सकते हैं। HTTP होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये ऐसा प्रोटोकॉल है जो हम यूज करते हैं हाइपर टेक्स्ट फाइल को ट्रांसफर करने के लिए या हाइपर लिंक्ड कॉन्टेंट को वर्ल्ड वाइड वेब पे। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल PPP, ये अगर सीरियल इंटरफेस में बातचीत होनी है तो ये इसके लिए मदद करता है। SMTP, ये ट्रांसमिशन के लिए है ईमेल का इंटरनेट पे। POP का मतलब ये है कि ये ईमेल को अपने पास होल्ड करके रखेगा जब तक इसको कोई पिकअप ना करे। टेलनेट है रिमोट मशीन में लॉगिन करने के लिए या कनेक्शन स्थापित करने के लिए। IRC प्रोटोकॉल है चैटिंग के लिए, ये क्लाइंट सर्वर मॉडल पे बेस्ड है। वाइप का मतलब है वॉइस ओवर IP। ये इसका मतलब ये है कि आप वॉइस को अपने सर्किट स्विचिंग नेटवर्क से ना भेज के पैकेट स्विच नेटवर्क पे भेज रहे हैं, यानी कि टेलीफोन में ना, टेलीफोन नॉर्मल ना यूज करके आप इसको इंटरनेट
की विधाओं से भेज रहे हैं। तो ये बात हुई इस चैप्टर की, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।